आपका नाम? बीरी सिंह। आपका? मेरा रतन चंद जी। आपका? मैं श्रीमती जी। आप मुझे ये बताइए कि 15 साल से तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, तो आपको क्या लगता है कि अब बदलाव आना चाहिए या जैसी सरकार चल रही है वैसी चलनी चाहिए? बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और किसी को टिक के नहीं बैठना चाहिए एक जगह, किसी और को भी मौका दें जिससे कि काम अच्छा हो। फ्री की चीज़ें, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, इससे आदत खराब हो जाती है। इस पे भी थोड़ा रोक लगानी चाहिए। चलो शनिवार इतवार को कर दो, वीकेंड में कर दीजिए आप। अब ये डेली का भीड़ रहती है तो ये डीटीसी का भी कट होना चाहिए। केजरीवाल सरकार का हो गया ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं एमसीडी सरकार में जो बीजेपी की सरकार है, तो आपने कहा बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव में आप किसको लाना चाहेंगे? बदलाव में आम आदमी पार्टी को। आम आदमी आपको लगती है? पर अभी आपने कहा कि वो तो फ्री की चीजें लोगों को दे रहे हैं, है ना? थोड़ा सा इसको ये करना चाहिए कम। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा फिर पब्लिक थोड़ा कंट्रोवर्स, फ्री के चक्कर में बैठे रहते हैं सब पब्लिक। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार ने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था? हम तो शुरू से ऐसे ही देखते आ रहे हैं बीजेपी है, ऐसे देखते आ रहे हैं, खींचा खींची, मतलब काम नहीं हो रहा है। तो केजरीवाल सरकार एमसीडी के अंदर में तो आप खुद ही देख लो इनको क्या हो। ये तो जेल वालों की लाइन है। केजरीवाल सरकार की आपने बात की तो हमें यहाँ कई चेहरे नजर आ रहे हैं केजरीवाल सरकार में निगम पार्षद के लिए। आपके एरिया से हम पोस्टर देख रहे हैं, जैसे मनवीर फोगाट है, सरिता फोगाट है और सुधीर फोगाट है। आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी आकर खड़ा होगा जो जीत सकता है और काम करेगा? वो तो टाइम ही बताएगा जब चुनाव आएंगे, वो तो टाइम ही बताता है। आम आदमी आए या बीजेपी आए, वो तो टाइम ही बताएगा। जैसे पिछली बारी आम आदमी पार्टी से आपके एरिया से खड़ी हुई थी सरिता फोगाट, तो आपको लगता है कि उनके आने के चांसेस है? कुछ नहीं कह सकते जी अपन, तो कुछ नहीं कह सकते, बस ये है कि चेंजेस होना चाहिए। बाकी आपका सपोर्ट केजरीवाल सरकार की तरफ है, सबको चेंज होना चाहिए। सबको टाइम मिला 5-5 साल, सबको चेंज होना चाहिए, कंटिन्यू कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि सब कमाए, सबको 5-5 साल का टाइम होना चाहिए। गरीब आदमी या मरे या जिंदा रहे, कुछ भी करे, लेकिन सब कमाने चाहिए। नाम सर? मेरा राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह जी, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मुझे तो बचपन से जहाँ पे हैं, बचपन से आप यहीं पर ही रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। हाँ जी। तो अब एमसीडी के जो चुनाव आने वाले, उसमें आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या जो जैसे चल रही है वैसे रहनी चाहिए? वैसे मैं तो कह रहा हूँ जैसे है चलनी ठीक है, चलनी ठीक है। हाँ, कैसे आपको लगता है ये? क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जो सारा काम हो रहा है हमारा, तो किस तरीके के काम? यानी कि बिजली की बिजली मिल रही है, पानी का पानी मिल रहा है। अच्छा। सारा कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जैसे ये तो राज्य सरकार का काम है, पानी बिजली तो केजरीवाल सरकार ने फ्री करवाया है, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी का तो कोई रोल नहीं लग रहा है। बीजेपी को आपने कहा ना कि चलनी चाहिए बीजेपी ठीक ठाक से, लेकिन लोग तो कहते हैं, मैं तो केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है ना? हाँ जी, बीजेपी की है। तो आप चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी आए? हाँ, आगे भी बीजेपी आए। हाँ जी। लेकिन लोग कहते हैं कि सड़कें बहुत खराब है यहाँ की। ठीक कर गई, अब तो पहले थी, अब तो ठीक कर गए वो। तो अभी ये चुनाव के समय में ही ठीक करा है? ये 15 दिन से नहीं बनी थी। अच्छा। ये 2-3 दिन पहले बना के गए। हाँ, मतलब कि जैसे चुनाव का समय नजदीक आया तभी कुछ ना तभी करा। हाँ, तभी करा। हाँ जी, पहले काम नहीं किया, पहले नहीं करता। हाँ जी, अगर हम देखें कि बीजेपी की देखें तो उनका निगम पार्षद इस समय आपका है राधिका फोगाट जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या मांग रखते हैं कि इस बार आपका यही आगे रहने चाहिए या कोई और आना चाहिए प्रत्याशी? वैसे तो यही रहना चाहिए मेरे ख्याल, तो हमारे लिए तो ठीक है। अच्छा। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो भी हमें कई चेहरे नजर आ रहे हैं, सरिता फोगाट, मनवीर फोगाट और सुधीर फोगाट। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा चेहरा आना चाहिए? क्या क्या नाम बताया? सरिता, मनवीर और सुधीर। सरिता फोगाट से ही है। सरिता फोगाट, तो आपको लगता है सरिता फोगाट अगर प्रत्याशी रहेगी तो एक दावेदारी मतलब ज्यादा है? ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।